अपने दो दिन के कश्मीर दौरे के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के कई दलों के नेताओं से मुलाकात की। राजनाथ से मिलने कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा। बाद में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी लोग कश्मीर में अमन चाहते हैं और मौजूदा हालात से केंद्र बेहद दुखी है। गृह मंत्री ने पायलट गन के विकल्प की भी बात कही, जवानों से कहा कि इसका इस्तेमाल करने से बचें। राजनाथ ने राज्य में आई बाढ़ के दौरान जवानों की सकारात्मक भूमिका को दोहराया। राजनाथ ने कहा कि जल्द ही एक नोडल ऑफिसर तय किया जाएगा और कश्मीर के नौजवानों को देश के किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ होती है तो वो उस नंबर पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। जो भी कश्मीर वैली के हालात हैं उसको लेकर हम लोग भी बेहद दुखी हैं। इसीलिए कल आते ही मैंने अपनी तरफ से ट्वीट किया था और कहा था कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में मैं बात करने के लिए यहां पर आया हूं। जो भी बात करना चाहते हैं मैं उनका स्वागत करूंगा। वहीं मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा फोकस उन 95% लोगों पर होना चाहिए जो पत्थर फेंकना नहीं चाहते। जो 5% कानून तोड़ने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 95% लोग पीसफुल तरीके से इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं, दैट मींस देयर इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। मगर 5% लोगों ने इसको हाईजैक किया है, तशद्दुद करके वो इस पटरी को रेल से उतारना चाहते हैं। बिकॉज कहीं भी दुनिया के कोने में आज तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं। अगर आपने किसी भी इश्यू को बदनाम करना है तो आप तशद्दुद पे उतर आइए, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। राजनाथ सिंह और महबूबा मुफ्ती साथ तो दिखे, लेकिन राजनाथ का स्वागत करने मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची थी। खबर है कि महबूबा केंद्र सरकार के रवैये से नाराज हैं, खासतौर से वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस बयान से जिसमें उन्होंने कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी को पाकिस्तान का नया औजार बताया था। जेटली ने पत्थरबाजी करने वालों को सत्याग्रही नहीं आक्रमणकारी बताया था। ये भी माना जा रहा है कि पीडीपी को ये नागवार गुजरा कि प्रधानमंत्री की ओर से शांति की पहल तब हुई जब घाटी के विपक्ष के नेता उनसे मिले, जबकि पीडीपी के कहने पर केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पिछली दिवाली पर मोदी कश्मीर गए थे तो 800 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन राशि अभी तक आवंटित नहीं हुई है, जिसको लेकर पीडीपी सरकार ने कई बार निराशा जताई है। लेकिन पूरा मामला अब इस पैकेज के सवाल से काफी आगे जा चुका है। लगता है घाटी में अचानक 90 का दशक फिर उतर आया हो। तकरीबन 1.5 दशकों से चुनावी और सियासी प्रक्रिया से जैसा माहौल बना था वो कहीं खोसा गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा इस माने में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान राज्य सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की जा सकती है। गृह मंत्री की वापसी के बाद केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र कई विकल्पों पर विचार कर सकता है। सबसे गंभीर हालात दक्षिण कश्मीर में है, जो पीडीपी के जनाधार वाला क्षेत्र है। ऐसे में इस पार्टी से ही शांति की पहल करने की अपेक्षा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।